हाय एवरीवन, नवनीता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी और बिहार की फेमस मुरोरी की रेसिपी। आप इसे मूली की कचौड़ी भी कह सकते हैं। इन्हें बनाया जाता है मूली और चावल के आटे से। ये एकदम क्रिस्पी बनती है और आप इन्हें एक बार बनाने के बाद 3 से 4 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 पीस मूली को धोकर और छील कर लिया है। बाई वेट ये 400 ग्राम है और अब हम पहले इन्हें ग्रेट कर लेंगे। और मूली को हमें ग्रेटर की मीडियम वाली साइड से ग्रेट करना है, बहुत ज्यादा बारीक हमें इनको ग्रेट नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे सभी मूलियों को ग्रेट कर लिया है। अब पैन में 1 कप पानी लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैगरेला यानी कि कलौंजी, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 कटी हुई हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है। आप अदरक और हरी मिर्ची को क्रश करके भी ले सकते हैं। मोइन के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा लिया है और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालकर इन्हें मिक्स कर लेंगे। चिली फ्लेक्स डालने से कचौड़ियाँ देखने में बहुत अच्छी लगेंगी, पर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेट की हुई मूली। तो पानी हमें 1 कप ही लेना है क्योंकि मूली में भी काफी सारा पानी होता है, तो ये भी अपना पानी रिलीज करेगी। तो मूली को भी मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे ढककर 6 से 7 मिनट तक मीडियम हीट पर कुक करेंगे। लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये मूली अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और इससे पानी भी काफी रिलीज हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल का आटा लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे, इससे इसमें लम्स नहीं बनेंगे। चावल के आटे की क्वांटिटी थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि मूली में कितना मॉइस्चर है। ट्रेडिशनली मूली की कचौड़ी को चावल के आटे से ही बनाया जाता है, पर आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, पर ये उतनी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल सके। 5 मिनट के बाद आटे को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था और अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे आटे की तरह से गूंद कर स्मूथ करेंगे। और अगर आपको लगे कि आटा हाथ में चिपक रहा है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा एकदम स्मूथ चावल का डो रेडी हो गया है। और आइए अब हम इससे कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो इससे थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी हम एक बड़ी सी लोई बनाएंगे। ये जो हम फुलके के लिए लोई बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी साइज के बनाएंगे। आप पहले चकला के ऊपर थोड़ा ऑयल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस करेंगे और साथ में थोड़ा ऑयल बेलन पर लगाकर इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, इससे आटा चिपकेगा नहीं। अब लोई लेंगे और इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो ऑयल लगाने के बाद ये आसानी से बिल जाती है, पर फिर भी अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा चावल का सूखा आटा लेकर भी इसे बेल सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से एक बड़ी सी रोटी के साइज का बेल लिया है और ये हमें इस तरह से मीडियम थिकनेस की रखनी है। और अब इससे हम कचौड़ियाँ कट करेंगे। तो इसके लिए आप कटोरी या फिर ग्लास ले सकते हैं और अगर कुकी कटर है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कट करके लेने से सभी कचौड़ियाँ सेम साइज की और परफेक्ट राउंड शेप की बनेंगी। अब जो साइड में एक्स्ट्रा आटा है इसे हम हटा देंगे और इसे हम फोल्ड करके फिर से रोल कर लेंगे। अब क्योंकि हमने इसमें मूली को ग्रेट करके डाला है तो इसके जो फाइबर्स हैं इन्हें नीचे की तरफ दबाते हुए इसकी शेप को ठीक कर लेंगे। तो ये हमारी 1 कचौड़ी रेडी हो गई है। बाकी सभी को भी इसी तरह से हम हाथ से शेप देंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ कचौड़ियों को बेल लिया है और आइए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। कचौड़ी को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल लेंगे और इसे हम तेज गर्म करेंगे। ऑयल को चेक करने के लिए इसमें आटा का छोटा टुकड़ा डालकर देखेंगे तो ये तुरंत ही तैर कर ऊपर आ गया है, यानी कि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें 1-1 कर 2 से 3 पीस कचौड़ी के डालेंगे और इन्हें कुछ सेकंड के लिए फ्राई होने देंगे। और इस समय फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, इससे कचौड़ी एकदम क्रिस्पी बनेंगी। करीब 15 से 20 सेकंड के बाद इन्हें हल्के हाथ से दबाते हुए कचौड़ियों को फुला लेंगे। तो ये कचौड़ी हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। अब इन्हें पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर की हो चुकी है तो इन्हें हम निकाल लेंगे। और ये कचौड़ी हमारी देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। अब सेम में से बाकी सभी कचौड़ियों को भी मीडियम हीट पर गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये हमारा मूली और चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार है। और एक बार बनाने के बाद आप इन्हें 3 से 4 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती हैं और इतने आटे में ढेर सारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। कचौड़ी को आप सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ रायता और लहसुन की चटनी के साथ में। तो आप भी इस टेस्टी और यूनिक रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।